हिराज भाई लगाओ 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 फन टाइम कंटिन्यू स्टिल चलते दान लेगो सीख में। अच्छा हिरज भाई वन क्वेश्चन, ये सीखने में कितना टाइम लगा आपको? दो साल। नहीं सच्ची में आपको आता है ना? थोड़ा बहुत समझता हूँ लेकिन इतना नहीं आता है। लेकिन जो लिप सिंक करने के लिए भी तो टाइम लगा हो ना बहुत ज्यादा। मेरे सर की ऊपर से चाहिए मुबारक। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, थैंक यू सो मच। आप आए यही बड़ी बात है। वेडिंग लाइफ मुबारक हो। हे निमैन, कुछ आज की रात की मेहनत 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 परफेक्ट लगती हो। ये हम है, ये टीम हम यहाँ पे शूटिंग चल रहा है, यहाँ पे शूटिंग चल रहा है। मुझे गाना नहीं आता, मैं सिंगर भी नहीं हूँ। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का कोई राज नहीं है। इसे कहते हैं लागे हार्ट फ्रॉडिंग करना, है कि नहीं? पता है तो और क्या करे फ्रॉडिंग। रुंगथांग दोनों दुल्हा हिंदी में कुछ बोल दो। रियांको बैठे बोले क्या मासी कौ सारी कर दीजिए मुझे जय माता दी। फसल ही आप दोनों में से डांस किसको ज्यादा आते हैं? मुझे नहीं आता। आप दोनों में मैं नाच नहीं सकता। आप दोनों में से जो किया ना बेस्ट ब्रोमा पे जो डांस दिखाया ना। हाँ उधर इग्नोर करके और एक क्वेश्चन, आप दोनों में से लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग कौन ज्यादा करता है? फ्लर्टिंग बहुत शरीफ है भाई। शरीफ है इसलिए तो वहाँ से इधर आना पड़ा। तो जगह गर्म होता भाई। अच्छा आज तक आप लोगों को कितना लड़कियों ने प्रपोज किया? नहीं ऐसा नहीं पूछते तो ये स्माइल जो है चेहरे पे वो नहीं आता और थिंकिंग का जो मौका वो भी नहीं आता। सही है ना? चल और ये जो है हमारा ब्रो जहर
हाँ मैं एक कोरियोग्राफर, एक मेरे पास जहर है। जहर? बिकॉज आई खोरसा पीस करा और एक सवाल आप दोनों के लिए, चौमिन भाई, और एक सवाल, शादी से पहले शादी का फील लेके कैसा लग रहा है लोगों को? मुझे तो बुखार फील हो रहा है, मुझे तो इतना अजीब फील हो रहा है, पता है, इतना अजीब फील हो रहा है कि किसी की वो वहाँ पे आए हो, शादी ही है, मैं शादी में नहीं। नेक्स्ट टाइम जब फाइनली शादी होगी तब तो ऐसा फील होगा ना कि जैसे हम लोगों ने पहले किया हुआ है, इतना नर्वस फील नहीं होगा, है ना? अभी तक तो हम लोगों ने देखा बहुत मुश्किल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा शांत तो हुआ, लेकिन हाँ, जो पहले हुआ, तो हुआ वो बहुत गंदा वाला फीलिंग था ना, मुश्किल में ही हाल है। हाँ हाल है, है। और ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मुंह से क्या निकलेगी आप दोनों से, फर्स्ट वर्ड हिरस भाई, ये प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मुंह से फर्स्ट वर्ड क्या निकलने वाली है? मेरा तो शायद मुंह ही बंद रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ये मैं तो बस एक मेरा वर्ड सिर्फ एक लगा, सपोर्टिंग रोल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा सिर्फ एक ही वर्ड लिखेगा, क्या से क्या हो गया, क्या गाना गा दो ये, क्या से क्या हो गया। नहीं सच में हीरा साहब, मैं जब भी मुलाकात हो गई एक बात पूछने वाला था आपसे कि ये जो अभी गाना चल रही है आपने किया था कवर सॉन्ग किया था, ये सॉन्ग मुझे सुन के कुछ समझ भी नहीं, और मुझे लिपसिंग करने में तो बहुत टाइम लग गया, तो आपसे पूछने वाला था कितना मेहनत लगा, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा, ये इतना मेहनत तो नहीं लगा, मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस गाने के सिंगर को मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मैं इस वीडियो को कवर मैं नहीं करने वाला था, मैंने किशोर के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अचानक से उसने रिप्लाई दिया कि करो, लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसे कर रहे होंगे, तो मैंने दूसरे बार ट्राई किया, तो उसने डायरेक्टली बोला कि करो, तुम्हारे दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो, ऐसा बोला, तो मुझे पहले से स्पेनिश का थोड़ा वो नॉलेज था, तो ऐसे गान को मैंने रोज सुनता हूँ, तो मुझे मैं लाइफ को भी थोड़ा फॉलो किया और हो गया ऐसे, तो मैंने किया, तो सिंगर ने भी रिएक्शन किया कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन के लोग कैसे मेरे इस गाना को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही, मेरे पास वो वीडियो भी है जो उसने रिएक्शन किया था, और फिर और कुछ नहीं ऐसे मतलब और मुझे वो वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा कि आपने डिफरेंट लैंग्वेज में वो शुक्रिया किया और सब्सक्राइब करने के लिए, वो बहुत ज्यादा समझता हूँ, मैं स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, हिंदी, इंग्लिश, माय ओन कॉम्प्रोक लैंग्वेज, साउथ कोरियन, पोर्टुगीज, फ्रांस, कुछ तो छोड़ दो बाकी हो के लिए, बहुत ज्यादा हो गया मतलब लैंग्वेज थोड़ा।